नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको बता दें कि आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से देश के किसानों के लिए, देश के बेरोजगार युवाओं के लिए, बेटियों के लिए जो स्कीमें, जो योजनाएं आज जारी की है, जिनका शुभारंभ किया है, जिन स्कीमों का बटन दबाया है, हम उनके बारे में आपको बताने वाले हैं। ये इस स्कीम को बताने से पहले आप सभी से गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसानों की योजनाओं के बारे में। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज से देश के हर एक किसान को, जिनकी 5 एकड़ से कम जमीन है, उनको पेंशन के तौर पे 3,000 रुपए महीना की धनराशि देने वाली है। सबसे बड़ी खबर, किसानों को मिलने वाले 3,000 रुपए महीने की पेंशन। अब नजर डालते बेटी योजना के बारे में। आपको बता दें कि देश की हर एक बेटी को मिलने वाली है पेंशन, यानी 20 लाख रुपए बेटी की शादी पे जो खर्चे के लिए 20 लाख रुपए मोदी सरकार की तरफ से मिलने वाले हैं। इस योजना के लिए आपको ओनली महीने के 100 रुपए आपकी बेटी के सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में डलाने होंगे। सुकन्या समृद्धि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को जो 20 लाख रुपए की धनराशि के साथ इसका जो नया चेंज कर दिया गया है, अब आपकी बेटी को शादी पे 20 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे। चलिए बात करते हैं पेट्रोल के बारे में। पेट्रोल की कीमत आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पे काफी निचले स्तर पे देखी गई। पेट्रोल के दाम जो आज काफी निचले स्तर पर जाते हुए दिखाई गए। मोदी सरकार का कहना है कि पेट्रोल के दाम इस साल के एंड तक 60 रुपए लाने का दावा मोदी सरकार कर रही है। अब नजर डालते हैं गैस सिलेंडर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सारे महिलाओं को गैस सिलेंडर आज बांट दिए गए हैं। प्रधानमंत्री योजना के तहत 40 लाख महिलाओं को गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री में प्रदान किया गया है। साथ में आपको बता दें कि देश के गरीब परिवारों को, जिनके फैमिली की इनकम 3,000 रुपए से कम है, उनको 100 रुपए की अतिरिक्त गैस सिलेंडर सब्सिडी में छूट मिलने वाली है, या 100 रुपए अतिरिक्त सब्सिडी मिलने वाली है। चलिए नजर डालते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के बारे में। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि मोदी ने आखिर कार्ड खेल रणनीतिक ब्लंडर किया है आर्टिकल 370 मामले पे। आपको बता दें राहुल गांधी ने केरल के किसानों के लिए राहत का अनुरोध किया, आरबीआई गवर्नर को लिखी चिट्ठी। आपको बता दें कि पाकिस्तानी शादी में गाना गाकर बुरे फंसे मीका सिंह, AICDW ने किया बैन, पाक में निशाने पर आ गए हैं मीका सिंह। आपको बता दें कि मेरठ अलीगढ़ ही नहीं, अब पूरे यूपी में सड़कों पर नहीं होगी नमाज, डीजीपी ने जारी किया दिशा निर्देश। आपको बता दें कि ईसा मसीह के जन्म से पहले बने थे राम मंदिर, रामलला, राम मंदिर मामला का जो सुनवाई होने वाली है उससे पहले काफी बड़ी स्टेटमेंट दी गई है ईसा मसीह के जन्म से पहले बने थे राम मंदिर। आपको बता दें कि गोडसे की औलाद आज भी है और मुझे गोली मार देंगे अवैसी। अवैसी काफी डरे हुए दिखाई दे रहे हैं और सुधीर अवैसी ने कहा कि गोडसे की औलाद आज भी है और मुझे भी गोली मार देंगे। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत चीन अब नहीं रहेगा विकासशील। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी कि भारत चीन अब विकासशील नहीं रहे हैं, भारत चीन अब विकसित हो चुके हैं, WTO से नहीं उठाने देंगे उन्हें कोई लाभ। आपको बता दें कि राखी सावंत जो है रितेश के बाथरूम सीन आज वायरल हो चुके हैं। पब्लिक टुडे न्यूज पे वायरल सीनों की वीडियो आप देख सकते हैं। आपको बता दें बुखराए पाकिस्तान के राष्ट्रपति की गिदड़ धमकी, अब भारत के खिलाफ जिहाद भी हो सकता है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत को ये गिदड़ धमकी कही है। आपको बता दें कि पेड़ के ऊपर बैठे बंदरिया बाबा को देखने पूरा यूपी उमड़ रहा है। आपको बता दें कि बंदरिया बाबा भर रायचा उत्तर प्रदेश के जिले में पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, जिन्हें देखने के लिए काफी अलग अलग राज्यों से लोग भीड़ उमड़ रही है। आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज पाने के लिए पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर सबसे पहले मिल पाए।